उन्हें इस तरीके से रखेंगे हल्का हल्का स्मोकी स्मोकी, देखिए ये जो खुशबू बन रही है ना, ये इसके अंदर वही खुशबू देगी जो हमें स्मोकी खुशबू चाहिए। और स्मोकी खुशबू वाली बहुत ही टेस्टी सी सोया चंक्स की जो सब्जी है वो बनके तैयार है। किसी मटन चिकन या किसी पनीर से कम नहीं है ये रेसिपी, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि बहुत लोग सोया चंक्स के नाम से ही डर जाते हैं, उसे खाना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन अगर आपने यकीन मानिए इस तरीके से सोया चंक की रेसिपी बनाई तो आप कभी भी ये नहीं कहेंगे कि मुझे सोया चंक नहीं पसंद है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रीना किचन पॉइंट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि अभी आपने देखा, आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं सोया चंक्स की रेसिपी, लेकिन ये सब्जी बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, यानी कि जिस तरीके से आपने आज तक सब्जी बना के खाई है ये उससे बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल अलग है, और स्वाद यकीन मानिए गजब का है, ऑसम। तो आप इस पूरी रेसिपीज को इंजॉय कीजिए और पूरी वीडियो को देखिए, सीखिए सोया चंक्स की नई रेसिपी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो के नीचे लाइक का बटन जरूर क्लिक करें और रीना किचन पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। तो चलिए देखते हैं किचन में और दिखाते हैं आपको इस खास रेसिपी को किस तरह हमें बनाना है। आज हम बनाने जा रहे हैं सोयाबीन चंक्स के सब्जी की रेसिपी, जो कि बनाने में तो बहुत ही अलग डिफरेंट रेसिपी है, डिफरेंट तरीका है बनाने का। खाने में यकीन मानिए इससे टेस्टी सब्जी आपने नहीं खाई होगी, बहुत लाजवाब बन के तैयार होती है। बनाने के तरीके से ही आप आगे समझ जाएंगे कि ये रेसिपी कैसी बनने वाली है। तो बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं इस हेल्दी टेस्टी सब्जी को। तो इसको बनाने के लिए हमने सोया चंक्स, यानी कि आप न्यूट्रेला के नाम से भी जानते होंगे, मार्केट में बहुत ईजिली मिल जाते हैं, बहुत हेल्दी होते हैं ये। तो यहाँ पे हमें एक बाउल लिए हैं, आप अपनी फैमिली मेंबर के अकॉर्डिंग यहाँ पर ले सकते हैं। और ये जो हमने सोया चंक्स लिए हैं इनको हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं एक बाउल में, क्योंकि सोया चंक्स जो होते हैं ना ये थोड़े टाइट होते हैं, इनको हमें सॉफ्ट बनाना पड़ता है। तो इनको सॉफ्ट बनाने के लिए आप इन्हें या तो एक बाउल में ऐड कर सकते हैं और उसमें पानी ऐड करके आप इसको बॉयल कर सकते हैं 2 मिनट के लिए, या फिर बॉयल वाटर जो है आप इसमें डालकर इसे सॉफ्ट कर सकते हैं। दोनों ही तरीके बेस्ट हैं, लेकिन मैं यहाँ पर चूज़ कर रही हूँ बॉयल्ड वाटर। मेन बात होता है कि इन्हें हमें सॉफ्ट करना होता है, तो सॉफ्ट करने के लिए आप चाहे इन्हें उबाल लीजिए या फिर आप इन्हें गर्म पानी में डिप कर दीजिए। अब यहाँ पर हमने ले लिया है एक बाउल और उसमें मैं लगभग सिर्फ और सिर्फ 1 छोटा चम्मच बेसन का ऐड करूँगी। साथ में हम इसमें ऐड कर देंगे दही, यानी कि कर्ड 2 चम्मच के करीब हमने यहाँ पर दही इसमें डाल दी है। इसके साथ हम यहाँ पर इसमें ऐड कर देंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, मिर्च पाउडर स्वाद के अनुसार, और यहाँ पर हम डाल देंगे 1 पिंच हल्दी पाउडर। साथ में हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक, नमक में 2 बार ऐड करना है, इसलिए यहाँ थोड़ा सा नमक ऐड कर रहे हैं, और थोड़ा सा गरम मसाला, और अब इन सभी चीजों को हम मिक्स करेंगे। अब 2 मिनट भी कंप्लीट हो गए, तो देखते हैं सोया चंक्स पे अच्छे से फूल चुके होंगे, सॉफ्ट हो गए होंगे। तो देखिए जो सोया चंक्स है ना, फूलने के बाद थोड़ा सा साइज उनका बड़ा हो जाता है, इस तरीके से वो बड़े साइज के हो जाते हैं और पानी सारा वो पी चुके होते हैं। आप उसे अगर दबाएंगे तो इस तरीके से पानी निकलता है उसके अंदर और वो ड्राई हो जाते हैं, उनमें स्पेस हो जाता है, ये देखिए कुछ इस तरीके से हो जाते हैं सोया चंक्स। तो अब यहाँ पे इस तरीके करने के बाद हमें सभी सोया चंक्स को ड्राई करना है और फिर साथ में हमने जो पेस्ट बना रखा है उसके अंदर हमें डालना है। तो अब मैं यहाँ पर अच्छे से जितने भी सोया चंक्स हैं थोड़े थोड़े करके उन्हें हाथ में लूँगी और इस तरीके से दबाएंगे कि जितना भी उनका एक्स्ट्रा पानी है ना वो सारा पानी निकल जाए, और फिर यहाँ पर ड्राई करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे। और सभी सोया चंक्स जो हैं इस वाले ब्लैक बाउल के अंदर आ चुकी हैं। और अब इसमें क्या करना है कि जो सोया चंक्स और नीचे हमने बेसन का एक पेस्ट तैयार किया हुआ था उसके साथ इन पूरी सोया चंक्स को हमें अच्छे से मिलाना है। वो जो दही बेसन और अदरक लहसुन का पेस्ट था उसमें हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, अच्छे से कोट कर लेंगे। तो सभी सोया चंक्स अच्छे से दही बेसन में कोट हो गए हैं और अब इन्हें हम एक इस तरीके की मैंने बड़ी छन्नी ली है उसके अंदर डालेंगे। मैं 2 पार्ट उसमें डालूंगी, 2 पार्ट में,
एक थोड़ा थोड़ा करके दो पार्टों के इसके अंदर हम ऐड करेंगे। थोड़ा इस तरीके से डालिए कि वो एक के ऊपर एक ना आए, थोड़े से साइड में रहें। तो ये देखिए एक हमारा फर्स्ट बैच जो है वो इसमें आ चुका है। अब हमें ऐसा क्यों करना है, क्योंकि हम इसके अंदर एक बहुत ही अच्छी स्मोकी खुशबू जो है, जो एक फ्लेवर है वो ऐड करने जा रहे हैं, जो कि आज से पहले आपने कभी भी सोया चंक्स की सब्जी में नहीं खाया होगा, नहीं ट्राई किया होगा। वो बहुत अच्छी खुशबू, बहुत अच्छा फ्लेवर, बहुत ही अच्छा टेस्ट बन के आता है उससे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हमें करना क्या है, हमें गैस ऑन करनी है और गैस को मीडियम हीट पे हम रखते हैं। साथ में जो हमने यहाँ पे सोया चंक्स इसके अंदर रखे थे उन्हें इस तरीके से रखेंगे, हल्का हल्का स्मोकी स्मोकी। देखिए जो खुशबू बन रही है ना, ये इसके अंदर वही खुशबू देगी जो हमें स्मोकी खुशबू चाहिए। अब हम इसे थोड़ा सा पलट लेंगे हिलाते हुए, कुछ इस तरीके से, और फिर से इसके अंदर इस तरीके से देंगे। ये जो धुआं बन रहा है यही वो खुशबू, वो टेस्ट है जो आपको इस सोया चंक्स को खाने में मजा कर देगा। फिर से थोड़ा सा हिलाएंगे तो देखिए ये जो सोया चंक्स है, अच्छे से मैंने पलटते हुए इन्हें इस तरीके से खुशबूदार तैयार कर लिया। इसमें एक हल्का हल्का ब्लैक स्पॉट्स आने शुरू हो जाते हैं और ये थोड़े से ड्राई होने शुरू हो जाते हैं, तो आप समझ लीजिए ये चंक्स आपके बिल्कुल परफेक्टली स्मोकी फ्लेवर के साथ तैयार हो चुके हैं। तो अब यहाँ पे मैं इसे बाहर निकाल दूंगी। सेम ही प्रोसेस के साथ दूसरे चंक्स का जो बैच है वो तैयार कर लेंगे। ये देखिए एकदम परफेक्ट स्मोकी खुशबू वाले, बहुत ही टेस्टी फ्लेवर इसके अंदर, दही का, अदरक लहसुन का, बहुत अच्छा एक फ्लेवर, बहुत ही टेस्टी से तैयार हो गए। तो सेम हम दूसरा बैच भी तैयार कर लेते हैं। देखिए जो दूसरा बैच है वो भी हमारा अच्छे से तैयार हो गया, अच्छे से भुन गया। तो यहाँ पे हम गैस की फ्लेम बंद कर देते हैं और यहाँ पर रख लेते हैं हम पैन, जिसमें हम डालेंगे एक चम्मच ऑयल। ज़्यादा में ऑयल की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक चम्मच इनफ है। और फिर हम पैन के अंदर ऐड करेंगे प्याज। प्याज लंबे कटे हुए पीसेस में है, यानी कि आप लंबे मोटे कैसे भी काट लीजिए रफली, क्योंकि इन्हें अभी हमें इसमें सॉटे करना है, अच्छे से ब्राउन कर लेना है प्याज को। प्याज का कलर देखिए हल्का ब्राउन होने शुरू हो गया है। तो जब प्याज इस तरीके की ब्राउन होने शुरू हो जाए उसके बाद ही हमें ऐड करने हैं इसमें रफली कटे टमाटर। तो मैंने यहाँ दो टमाटर लिए हैं और दो छोटी साइज़ की हरी मिर्च। कभी भी आप कोई पेस्ट ही बनाते हैं ना किसी भी रेसिपी के लिए, तो प्याज को कच्चा मत छोड़िए, उसे पका लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये मसाला तभी स्वादिष्ट लगता है जब प्याज अच्छे से भुनी हुई हो, अच्छे से पकी हुई हो। अब इन्हें मिक्स करेंगे और दोनों को अच्छे से सॉफ्ट होने के लिए टमाटरों को छोड़ देंगे। तो लीजिए टमाटर जो है वो अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं, बिल्कुल गल चुके हैं। अगर आप लहसुन और अदरक भी डाल रहे हैं, साबुत ऐड कर रहे हैं, तो आप यहीं पर इसे भून लीजिए अच्छे से प्याज के साथ, उसके बाद टमाटर ऐड करिए। क्योंकि मैं रेडीमेड पेस्ट यूज़ करने वाली हूँ तो मैं जब सब्जी बनाऊँगी फाइनल टच दूँगी उस टाइम पर ऐड करूँगी। तो यहाँ पर फिलहाल मैं प्याज टमाटर हरी मिर्च का जो एक पेस्ट बनाने वाले हैं, इसलिए मैं गैस को फ्लेम को कर देती हूँ बंद और इसे थोड़ा सा ठंडा करेंगे। उसके बाद ही हम इसे मिक्सी में पीसेंगे और एक स्मूथ सा इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो फाइनली अब हम सब्जी बनाने के लिए रख चुके हैं कढ़ाई और इसमें डाल देंगे हम ऑयल। तो यहाँ पर हमें ऑयल की मात्रा सब्जी बनाने के लिए लगभग 3 चम्मच के करीब मैं ऑयल यहाँ पर ऐड कर रही हूँ और इसे अच्छे से हम गर्म कर लेंगे। तो तेल जैसे ही गर्म फील हो कि गर्म हो चुका है, तो उसके बाद हम ऐड कर देते हैं खड़े मसाले, जिसमें कि आप देख रहे हैं बड़ी इलायची है जिसे मैंने थोड़ा सा खोल लिया है, दालचीनी का टुकड़ा है, लौंग, काली मिर्च। तो ये सभी चीज़ें हम इसमें ऐड कर देंगे और जैसे ही थोड़ा सा आपका फ्लेवर इसके अंदर देगा ऑयल के अंदर, तो उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे जीरा। तो यहाँ पे मैं साबुत जीरा इसमें ऐड कर रही हूँ और इसके बाद यहाँ पर जाएगा पेस्ट जो हमने तैयार करा है। ये वो पेस्ट है जो प्याज टमाटर से तैयार किया गया था। तो पीसने के बाद अब इसे हम डाल देते हैं। तो बहुत ध्यान से ऐड करिएगा, ऑयल गैस फ्लेम को आप कम कर लीजिए, उसके बाद अब प्याज के पेस्ट को ऐड कर दीजिए और यहाँ पे अच्छे से प्याज का पेस्ट इसके अंदर चला गया है। तो मैं इसके साथ ही ऐड कर देती हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट भी, क्योंकि उसे भी हमें पकाना है। यहाँ मैं कम से कम आधी चम्मच के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। अब इन दोनों चीज़ों को अच्छे से हम भूनेंगे, कम से कम इसे हम पकाएंगे 1 से 2 मिनट के लिए।
मसाले को भूनते हुए हो गई है, इसे ज़्यादा भुनने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि हमने प्याज टमाटर को पहले ही भुना हुआ था। तो देखिए जो तेल है वो ऊपर आ रहा है। अब इसके बाद मैं इसमें कुछ मसाले ऐड कर दूँगी। तो जैसे कि सबसे पहले मैं लेने वाली हूँ कश्मीरी लाल मिर्च, और आप चाहें तो इसमें हरी मिर्च या स्पाइसी मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं। कश्मीरी मिर्च ये कलर बहुत अच्छा देती है, तीखा ज़्यादा नहीं करती। इसके साथ ही मैं यहाँ पर डाल देती हूँ इसमें गरम मसाला आधी छोटी चम्मच, और हम इसके अंदर ऐड कर देंगे नमक। नमक अपने स्वाद के अनुसार, क्योंकि चंक्स में ऑलरेडी हमने डाले हुए हैं तो यहाँ पर नमक सिर्फ सिर्फ ग्रेवी के लिए हमें ऐड करना है। और इसके साथ इसमें हम ऐड कर देते हैं कसूरी मेथी। अब इन सभी मसालों को हम मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर अच्छे से जब ऑयल सेपरेट हो जाएगा तो उसके बाद मैं इसमें थोड़ी सी एक पिंच हल्दी, क्योंकि अच्छे से रेड कलर आ चुका है सब्जी के अंदर, और साबुत धनिया ऐड कर दूंगी। ये भी मिक्स कर लेते हैं। और अब यहाँ पर ग्रेवी बनाने के लिए हम ऐड करने वाले हैं दही का। तो मैं यहाँ दही जो है लगभग 2 चम्मच के करीब ऐड कर रही हूँ, 2 से 3 चम्मच। अगर खट्टी दही है तो कम इस्तेमाल कीजिए, अगर खट्टी नहीं है तो आप इसे ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल कर सकते हैं, और अच्छे से आप इसे कंटिन्यू चलाते रहिए दही, क्योंकि दही नहीं तो फट जाती है, इसलिए दही को कंटिन्यू चलाना ज़रूरी है। जब तक इसमें अच्छे से उबाल नहीं आ जाए, जब तक आप इसे कंटिन्यू चलाते रहिए। तो देखिए इसके अंदर इंस्टेंट ही उबाल आना शुरू हो जाता है, दही में जाने के बाद ज़्यादा समय नहीं लगता। और साथ में मैं इसमें ऐड कर दूंगी थोड़ा सा पानी। आपको जितनी भी ग्रेवी बनानी है इस सब्जी के लिए उतना आप इसके अंदर पानी ऐड कर दीजिए। और अब जो हमने सोया चंक्स बनाए थे, उनकी खुशबू वाले हल्का बेसन हल्के दही अदरक लहसुन के फ्लेवर के साथ, वो सोया चंक्स अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो देखिए बहुत ही टेस्टी सोया चंक्स लगते हैं, अगर आप इन्हें सेपरेट भी खाएंगे ना तो भी बहुत अच्छा फ्लेवर टेस्ट देते हैं, और इसमें जाने के बाद तो ये गजब का स्वाद देंगे। तो आप एक बार ये ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी सोया चंक्स की रेसिपी। तो अभी हम इसको इसमें पकने देते हैं 2 से 3 मिनट के लिए, जिससे कि सारी ग्रेवी सारा फ्लेवर जो है सोया चंक्स के अंदर भी चला जाए और सोया चंक्स का जो फ्लेवर है वो ग्रेवी के अंदर आ जाए। तो यहाँ पे हम इसे 2 मिनट के लिए अच्छे से पकने के लिए छोड़ देंगे। तो दोस्तों बनके तैयार है सोया चंक्स की बहुत ही टेस्टी रेसिपी, किसी मटन चिकन या किसी पनीर से कम नहीं है ये रेसिपी। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि बहुत लोग सोया चंक्स के नाम से ही डर जाते हैं, उसे खाना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन अगर आपने यकीन मानी इस तरीके से सोया चंक की रेसिपी बनाई तो आप कभी भी ये नहीं कहेंगे कि मुझे सोया चंक नहीं पसंद है। बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा यम्मी, स्वादिष्ट, देखने में बेहद ही लाजवाब, लजीज। तो इस रेसिपी को ट्राई कीजिए, फीडबैक मेरे साथ शेयर कीजिए कि आपको ये सोया चंक की रेसिपी कैसी लगी। बहुत ही अच्छी खुशबू के साथ तैयार होती है, बहुत ही आसान तरीके से तैयार होती है। इस रेसिपी को बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगता, बहुत ही कम समय के अंदर लाजवाब रेसिपी आप बना के तैयार कर सकते हैं, अपने मेहमान, गेस्ट, घर, फैमिली मेम्बर्स को सबको खुश कर सकते हैं। बहुत स्वादिष्ट, बहुत ही आसान रेसिपी है। अगर आपको वीडियो पसंद आए, सोया चंक्स की टेस्टी मज़ेदार रेसिपी पसंद आए, तो प्लीज़ वीडियो के नीचे लाइक बटन ज़रूर क्लिक करें और रीना किचन पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। तो चलिए फिर मिलेंगे एक और नई टेस्टी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।